जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश कुमार एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर आप ट्रेनिंग पे एक वीडियो बनाइए कि हम लोगों की ट्रेनिंग क्या होती है और कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं, इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ट्रेनिंग में आप लोगों से क्या करवाया जाता है, ट्रेनिंग में आप लोगों की टाइमिंग क्या होती है और क्या ट्रेनिंग हार्ड होती है, क्या सभी लोग इस ट्रेनिंग को कर पाएंगे, क्या कोई छोड़ के भाग तो नहीं जाएगा बीच में से। जब आप लोग ट्रेनिंग सेंटर में जाते हो तो उसके बाद जो पहला एक सप्ताह होता है उसको ट्रेनिंग सेंटर में जीरो वीक के नाम से जाना जाता है, यानी उसमें आपसे बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग नहीं करवाई जाती है, उसमें नॉर्मल से काम होते हैं, जैसे कि आपको यूनिफॉर्म बांटना, आपको जूते बांटना, आपकी कटिंग करना, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना। फ्रेंड्स, जब आप ट्रेनिंग में जाते हो तो जाते ही आपका ट्रेनिंग के अंदर भी एक मेडिकल होता है, तो ये आप डाउट में मत रहना कि एक बार मेडिकल होता है। फ्रेंड्स, जब आप ट्रेनिंग करने के लिए जाओगे तो स्टार्टिंग में आपका एक बार फिर से मेडिकल किया जाता है और ये मेडिकल जो आपका मेडिकल टेस्ट होता है उसकी कंपैरिजन में काफ़ी नॉर्मल होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। इसमें नॉर्मल चीज़ें चेक की जाती है, जैसे कि हाइट, चेस्ट, वेट, आइज, ईयर्स, ये सब चेक किया जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, आपको स्टार्टिंग में जब आप जाओगे तो फ्रेंड्स ये सबको पता है कि आप लोग रनर नहीं हो, इस पोस्ट के अंदर जो जाते हैं वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होते हैं, उनसे दौड़ नहीं लगाई जाती है। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में वो आपको वॉकिंग करवाना शुरू करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में आपको घुमाते हैं 2 या 3 दिन कि आइए आपको ये दिखाते हैं, आपको ये दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, वो राउंड जो होता है वो 3 किलोमीटर का या 3.5 किलोमीटर का भी हो सकता है जिसमें आपको घुमाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे 2 या 3 दिन क्रॉस करेंगे तो फ्रेंड्स आपसे जॉगिंग करवाना शुरू करेंगे, आप लोग जॉगिंग करते करते उसी जगह पर घूमोगे। फ्रेंड्स, जैसे ही आपका एक हफ्ता पूरा हो जाता है फ्रेंड्स आपकी ट्रेनिंग का दौर शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सबको मॉर्निंग में 5 बजे ग्राउंड में इकट्ठा होना होता है और ग्राउंड में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको वो ब्रीफ करते हैं कि आज क्या है, आज क्या काम का। और फ्रेंड्स, ग्राउंड में इकट्ठा होने के बाद ऑफिसर रिपोर्ट लेता है, उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग आगे के पार्ट के लिए मूव कर जाते हो। तो फ्रेंड्स, मैं मेरी ट्रेनिंग का आपको पार्ट बताता हूँ। फ्रेंड्स, ये टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, जैसे कि हम लोग 5 बजे ग्राउंड में जाते थे लेकिन हमारी क्लास 6 बजे से शुरू होती थी। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में 6 से 6:40 और 6:40 से लेकर 7:20 दो पीरियड हम लोगों का इंडोर होता था जिसमें हमें ऑफिस प्रोसीजर के बारे में पढ़ाया जाता था, यानी जो भी हमारा काम होता है उसके बारे में हमें नॉलेज दी जाती थी। इसके बाद फ्रेंड्स 7:20 से लेकर 8 बजे तक या फिर 8:10 तक हम लोगों की PT होती थी जो कि 40 से 50 मिनट की रहती थी। तो फ्रेंड्स, ये टाइम टेबल चेंज भी हो सकता है, यानी पहले आपसे PT करवाई जा सकती है, उसके बाद आपका इंडोर करवाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद फिर हमें 1 घंटा नाश्ते के लिए दिया जाता था और नाश्ते के बाद 9:30 बजे से फिर हमारी क्लास लगनी शुरू होती थी। और फ्रेंड्स, ये इंडोर क्लास होती थी जिसमें हमें ऑफिस प्रोसीजर के बारे में बताया जाता था कि आपको कैसे काम करना है, ऑफिस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन से रूल्स होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स 12:30 बजे के आसपास हम लोगों को वहाँ से छोड़ दिया जाता था और हम आ जाते थे लंच करने के लिए। 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक हम लोग लंच करते थे, रेस्ट करते थे। आप लोग ये कह सकते हो कि किसी को अगर अपनी ड्रेस धोनी है या किसी को अपने जूते पॉलिश करने हैं तो फ्रेंड्स वो सारे काम जो ज़रूरी होते थे वो हम लोग इसी टाइम में करते थे। फ्रेंड्स, 3 बजे के बाद हम लोगों को शाम को 6 बजे रोल कॉल में मिलना होता था और 3 से 6 का जो टाइम था इसमें फ्रेंड्स 2 पीरियड हम लोगों की जैसे ड्रिल हो गई यानी कि परेड हो गई, 2 पीरियड हम लोगों की WT हो गई यानी कि वेपन ट्रेनिंग हो गई जिसमें हमें हथियार चलाने सिखाए जाते थे। कभी कभी फ्रेंड्स 4 पीरियड हमारे ड्रिल के लग जाते थे, कभी कभी 4 पीरियड WT के लग जाते थे, कभी कभी 2 पीरियड WT के और बाकी 2 इंडोर लग जाता था। तो फ्रेंड्स, कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था। इसके बाद फ्रेंड्स शाम को 6 बजे हमें फिर से रोल कॉल के लिए इकट्ठा होना होता था, वहाँ फिर हमें ब्रीफ करते थे, ऑफिसर आते थे, वो लोग हमें बताते थे कि आपने आज आपने ये काम किया, किसकी कहाँ क्या गलती थी, कल आप लोगों को क्या करना है, यानी कि जितने ज़रूरी मैसेजेस डिलीवर करने होते थे वो शाम को रोल कॉल में किए जाते थे। उसके बाद फ्रेंड्स हमें 7 या 7:30 बजे के आसपास रोल कॉल से छोड़ दिया जाता था। फ्रेंड्स, रोल कॉल में हमें काफ़ी टाइम लगता था ट्रेनिंग सेंटर में। तो फ्रेंड्स 7:30 से 7:45 बजे के आसपास हमें डिनर मिलना शुरू हो जाता था और फ्रेंड्स उसके बाद डिनर करके हम लोग घर पे बात करते थे या किसी को स्टडी करनी होती थी, किसी में ज़्यादा हिम्मत थी तो वो स्टडी भी कर सकता था। तो फ्रेंड्स CISF की ट्रेनिंग हम मान सकते हैं कि हार्ड होती है, लेकिन फ्रेंड्स इतनी भी हार्ड नहीं होती है कि आपको ट्रेनिंग सेंटर से भाग करके आना पड़े। फ्रेंड्स, ऐसी नौबत नहीं आती है। इसके अलावा फ्रेंड्स ट्रेनिंग सेंटर में संडे का दिन होता था तो उसको रेस्ट के लिए बोलते थे कि संडे को रेस्ट रहेगा, लेकिन फ्रेंड्स संडे को हाफ डे हमसे काम करवाया जाता था, यानी जिसको हम फटीग बोल सकते हैं।
जैसे कि जंगल में से झाड़ियाँ काट के जंगल को एकदम ग्राउंड बना देना, इस तरीके के काम, ग्राउंड को तैयार करना। फ्रेंड्स, ये संडे को हाफ डे का काम रहता था और फ्रेंड्स इस काम को करने में बड़ा ही मज़ा आता था, क्योंकि फ्रेंड्स जब काफ़ी सारे रिक्रूट्स इकट्ठे होते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उस काम को करने का मज़ा ही कुछ और होता है। फ्रेंड्स, मैं आज भी मेरी ट्रेनिंग के दिनों को याद करता हूँ और वो दिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फ्रेंड्स, ट्रेनिंग के टाइम में कोई टेंशन नहीं होती थी, सुबह अपना एक्सरसाइज करना, क्लासेस लगाना, WT ड्रिल की क्लास लगाना, उसके बाद फ्रेंड्स अपने आप नींद आ जाती थी और पता ही नहीं चलता था कि दिन कैसे गया। कोई टेंशन नहीं होती थी, खाना पीना और जैसे आपको ऑर्डर्स मिलेंगे वो फॉलो करना। इसके अलावा फ्रेंड्स, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि इस ट्रेनिंग सेंटर में हमें कौन से कीबोर्ड पे टाइपिंग करवाई जाएगी, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेनिंग सेंटर में कंप्यूटर पे आप लोगों से टाइपिंग नहीं करवाई जाती है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट ऑलरेडी आप लोग दे करके आते हो। ट्रेनिंग सेंटर में आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे आपको ड्रेस पहननी है, कैसे आपको सैल्यूट करना है, कैसे आपको किसी ऑफिसर के साथ बात करनी है, कैसे आपको अपने से जूनियर पर्सनल के साथ बात करनी है, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा ट्रेनिंग सेंटर में आपकी फायरिंग होती है, आपसे PT करवाई जाती है। फ्रेंड्स, PT के ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में वो कवर नहीं हो पाएगा, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब बात आती है फ्रेंड्स, क्या ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग बाहर जा सकते हो, क्या आप लोग मार्केट घूमने जा सकते हो? तो फ्रेंड्स, आपको बता देता हूँ, ट्रेनिंग सेंटर में आप लोगों को बाहर जाना अलाउड नहीं होता है, ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ही आपको रहना होता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा कैंटीन फैसिलिटी हम लोगों को मिलती है, जो कि CPC यानी सेंट्रल पुलिस कैंटीन होती है, वहाँ से हम लोग सामान परचेज कर सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर में भी हम लोग CPC यानी सेंट्रल पुलिस कैंटीन से सामान खरीदते थे। फ्रेंड्स, वहाँ पे ड्राई कैंटीन भी थी, जहाँ से हमें ड्राई फ्रूट्स मिलते थे, बादाम, काजू, किशमिश, सब कुछ हमें वहाँ मिलता था। फ्रूट्स भी हमें वहाँ कैंटीन से मिलते थे। और फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोगों को किसी पर्टिकुलर डे यानी कि किसी स्पेशल दिन आपको आउट पास दिया जाता था, जिसमें आप लोग 1 या 2 घंटे के लिए बाहर जा करके ज़रूरी सामान आप लोग वहाँ से ला सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग ट्रेनिंग सेंटर से आप अपने घर नहीं जा सकते हो। अगर आप सोचते हो कि मैं संडे को अपने घर चला जाऊँगा, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो आप ऐसा। स्टेट पुलिस में ये सब होता है, लेकिन फोर्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसके बाद फ्रेंड्स बात आती है, क्या ट्रेनिंग सेंटर में हमें छुट्टियाँ मिलती है? तो फ्रेंड्स, आपको बता देता हूँ, हमारी ट्रेनिंग 24 वीक की हुई थी और 24 सप्ताह यानी कि लगभग 5.5 महीने के दौरान हमें कोई छुट्टी नहीं दी गई थी। फ्रेंड्स, हमें कोई भी घर जाने के लिए मौका नहीं दिया गया था। लेकिन ट्रेनिंग सेंटर के दौरान आपके अकाउंट में 5 EL यानी अर्न लीव ऐड की जाती है, जिसे आप ट्रेनिंग सेंटर के बाद ले सकते हो। वो आपकी लीव होती है, आप उसको कभी भी ले सकते हो। फ्रेंड्स, ट्रेनिंग सेंटर में आपको मैक्सिमम 5 लीव मिलती है। अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो फ्रेंड्स आप लोगों को उस इमरजेंसी का डॉक्यूमेंट प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे कि आपका कोई एग्ज़ाम है जिसके लिए आपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट किया हुआ है, या किसी की तबीयत ख़राब है, तो उसके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स आपको ला के देने होंगे, तभी फ्रेंड्स आप लोगों को छुट्टी मिलेगी। और फ्रेंड्स, छुट्टी की कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, जब मैंने ट्रेनिंग की थी तो फ्रेंड्स मैं 4 दिन की छुट्टी लेके चेन्नई से अपने घर यानी कि हरियाणा आया था। फ्रेंड्स, मुझे 1 दिन जाने में लगा, 1 दिन आने में लगा और 2 दिन में अपने घर रह पाया था। फ्रेंड्स, मैक्सिमम आपको 5 दिन की छुट्टी मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपके ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी के डाउट क्लियर करने के लिए फ्रेंड्स मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, तो फ्रेंड्स आप लोग वेट करें। तब तक फ्रेंड्स आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देखिए। फ्रेंड्स, जो GK की मैं वीडियो बनाता हूँ, आप उन वीडियो को बार बार देखो, जब भी आपको टाइम मिले 1 बार 2 बार 3 बार देखो, ताकि आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाए, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो कि आपको याद ना रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।